प्यारी होती है ना डॉल्स। ऐसी डॉल्स अगर घर में हो तो घर कितना क्यूट लगता है ना। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि डॉल्स की दुनिया कैसी होगी। ब्यूटीफुल हाउस, ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, ब्यूटीफुल ड्रेस, क्यूट क्यूट चीजें, है ना। सोचिए ऐसा कोई टाउन हो जिसमें सिर्फ डॉल्स हो तो कितना क्यूट टाउन होगा ना यार। ऐसा रियल लाइफ में क्यों नहीं होता है। पर हाँ, एक टाउन है जहाँ इंसानों से ज्यादा डॉल्स रहती हैं। आप सड़कों पर निकलेंगे तो वहाँ बेंचेस पर आपको डॉल्स मिलेंगी। आप किसी स्टोर में जाएंगे तो वहाँ भी डॉल्स ही मिलेंगी। अरे भाई, और तो और, खेतों में काम करने वाले लोगों की भी जगह यहाँ गुड़ियाओं ने ले रखी है। यहाँ तक कि स्कूल्स में भी कई जगहों पर सीट पर आपको डॉल्स ही बैठी मिलेंगी। ये सुनने में जितना अच्छा लग रहा है ना टाउन, उतना ही क्रीपी है भैया। पहले आप इस टाउन का एक छोटा सा ट्रेलर देख लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताऊंगी उसके बारे में। देखा, ये हमारी इमेजिनेशन से बिल्कुल अलग है भाई। ये गांव है जापान का द नागोरो डॉल विलेज इन शिकोकु, जिसको कर्स्ट विलेज भी कहते हैं, जहां पर आपको ऐसी ऐसी क्रीपी डॉल्स देखने को मिलेंगी ना। So this village in Japan is populated with 350 life-size dolls. दरअसल इस गांव में बहुत से लोग या तो लापता हो गए हैं या फिर चल बसे हैं। कुछ लोग अपना सब कुछ इस गांव में छोड़कर दूसरी जगह चले गए। ऐसे में गांव एकदम खाली हो गया। ऐसे में लोगों की जगहों को भरने के लिए गुड़ियों का सहारा लेना पड़ा। अब इस गांव में ना जो इतनी डॉल्स है उसकी हिस्ट्री क्या है, क्या आप जानते हैं? चलो मैं बताती। दरअसल इन द अर्ली 2000 सुकीमी आयनो Returned to the village to look after her father and found it mostly deserted. उस समय गांव में महज 35 लोग रहते थे। अब पिता की मृत्यु के बाद और धीरे-धीरे कम होती जनता के बीच उन्होंने तय कर लिया कि वो वहां से नहीं जाएंगी और एक नए तरीके से गांव को तैयार करेंगी। इस नए गांव में वही पुराने लोग रहेंगे लेकिन जिंदा नहीं, गुड्डे गुड़िया की शक्ल में। Each has their own distinctive character and some are even based on real people. Imagine. इसलिए उन्होंने खाली जगह को गुड़ियों से भरने का फैसला किया। आयानो सुकीमी ने पहले शौकिया तौर पर गांव के लिए अपने पिता के कपड़ों से एक बिजूका तैयार किया। बाद में आयानो सुकीमी ने इसको अपना मिशन बना लिया। हालांकि उन्होंने गुड़िया लोगों को डराने के लिए नहीं बनाई थी, लोगों की जगह बेजान गुड़ियों को रख तो दिया, लेकिन ये गाँव गुलजार से ज्यादा डरावना लगने लगा। हालांकि आयानो ने गाँव में अकेलेपन से निपटने के लिए इतनी सारी गुड़ियाएं रखी है, पर अब तो भैया लोग इसे शापित गांव के नाम से जानते हैं। एंड नाउ यू वोंट बिलीव, गांव में गुड़ियों की संख्या जीवित निवासियों से 10 गुना से भी ज्यादा अधिक है। नागोरो गांव लगभग पूरा वीरान पड़ा हुआ है। गांव में केवल बुजुर्ग ही रह गए हैं। युवाओं की संख्या कम होने की वजह से इस गांव में 18 सालों से किसी भी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। क्या आप जानते हैं, कपड़े से बनी इन गुड़ियों को बिजूका कहा जाता है। एक वक्त था जब यहाँ के गांव की पॉपुलेशन 300 थी, लेकिन अब यहाँ हार्डली 30 लोग रहते हैं। सुकीमी का कहना है कि लोगों के चले जाने के बाद भी ये गुड्डे गुड़िया उनके लिए जिंदा है और उनके साथ पे रहते हैं। गांव में घूमते फिरते बूढ़े हो या फिर खेलते कूदते बच्चे, सब जीवित है। वो हर रोज अपना सारा काम निपटा कर किसी न किसी गाँव वाले की गुड़िया बनाने बैठ जाती है। ऐसा करते करते उसने गाँव के हर एक कोने में गुड़िया बना डाली है। मुझे तो भैया सोच के भी डर लग रहा है। इमेजिन, हॉलीवुड मूवी एनिमल की तरह अगर यहाँ की डॉल्स भी रात में जाग गई तो मैं तो यहाँ पर रात बिताने का भी नहीं सोच सकती। शायद इसलिए ही दिस जापानीज विलेज इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट हॉन्टेड विलेज इन द वर्ल्ड। पर एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर इंसानों की जगह क्रीपी डॉल्स होंगी तो हॉन्टेड तो होंगी ही, पर धन्य है ये मैडम भाई जो यहाँ पर रहती है। पर क्या आप जानते हैं, पुतलों के नागोरो गांव को देखने के लिए अब दूर दराज से लोग आते हैं। हाँ हाँ, अक्टूबर के फर्स्ट संडे को एक खास त्योहार मनाया जाता है यहाँ पर, जिसमें पुतलों को देखने के लिए लोग आते हैं। इस बिजूका फेस्टिवल का आयोजन होता है जिसमें एक फोटो प्रतियोगिता होती है, जिसके विजेता को अपना एक बिजूका मिलता है। साथ ही लोगों को बिजूका बनाना भी सिखाया जाता है। वैसे जापान जो मोस्ट एडवांस कंट्रीज में से एक है, लेकिन यहाँ पर भी एक ऐसा गाँव है जो तमाम टेक्नोलॉजी से दूर है। यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता। साल 2012 में इस गांव में सिर्फ एक ही स्कूल हुआ करता था, जो अब बंद हो गया है। इस गांव में बच्चे ही नहीं है तो स्कूल कैसे चलेगा भाई। सो द लोकल स्कूल, व्हाट दे डिड इज दे नाउ फिल्ड इट विद अ फ्यू डजन डॉल्स पेशेंटली वेटिंग फॉर द क्लास टू बिगिन। इमेजिन हाउ क्रीपी। इन द वेकेंट प्राइमरी स्कूल टू डॉल्स आर वेयरिंग द सेम क्लोथ्स एज द फाइनल टू स्टूडेंट्स हु अटेंडेड। इमेजिन। तो नेक्स्ट टाइम अगर जापान का ट्रिप बने तो शिकोकु के नागोरो की तरफ जाना मत भूलिएगा।
मुझसे मत बोलना यहाँ जाने को, मैं तो भाई बिल्कुल नहीं जाऊंगी। आप जाइए और मैं आती हूँ नेक्स्ट वीक आपके लिए कुछ और ऐसा इंटरेस्टिंग लेकर। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।